उसके साथ नहीं, अच्छा कुछ होगा भाई। जी जी मलिक साहब, एक 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 सिचुएशन को और देखते हैं, क्योंकि हम मुसलसल अब सिनेरियो पे ऑब्वियसली अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि बात क्या की जाए, नतीजा आके नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सिनेरियोज ड्रॉ हो रहे हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कोई डेढ़ दो महीने से, जब से उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया बीबी की बरसी से, वो मुस्तकिल उन्होंने एक अपना स्टांस लिया, एक लाइन ली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बनेगी, वो जो भी करेंगे वो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं उनको मिला के करेंगे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है सर, अब इस नतीजे पर हम आ रहे हैं कि ये दोनों जमातें मिलकर कोई कोलेशन में गवर्नमेंट बनाए? देखें, जो पॉसिबिलिटी थी ना, पॉसिबिलिटी मैं नून लीग वालों को कहता था कि ये 90+ सीटें लेंगे, ठीक है, 90+ सीटों से हुकूमत नहीं बनती जी। तो मेरी अपनी अजम्पशन ये थी कि ये जो इंडिपेंडेंट पीटीआई वाले सपोर्टेड जीतेंगे, इनमें से एक मेजर चंक जो है वो आईपीपी और पीएमएलएन को ज्वाइन करेगा, तो फिर इनकी हुकूमत बनेगी। आईपीपी इनके साथ पहले ही सीटेड जस्ट, एक नतीजा और भी ले लें मलिक साहब, ये शर्जी इनाम मेमन साहब उनका हल्का, ये PS 61 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है और 63,863 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ पर 63,638 वोट लेकर कामयाब हुए हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। तो जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये जश्न के मनाजर भी हम जरा स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखा देते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी जीत रहा हो जश्न के मनाजर थोड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अब जब आना शुरू हुए हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जश्न है। ये हैदराबाद का नतीजा जी, ये शर्जील इनाम मेमन की जश्न का जी। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि मेरी अजम्पशन ये थी कि ये 90+ सीट्स लेगी नून लीग जी, और आईपीपी और जो इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय पीटीआई वो जो जीतेंगे उसका एक मेजर चंक जो है विलिंगली हुकूमत में आने के लिए, ये हो सकता है दबाव में वो कुछ नून लीग और कुछ आईपीपी में जाएगा, और ये आईपीपी प्लस एमक्यूएम प्लस पीएमएलएन प्लस की पीटीआई के जीते हुए इंडिपेंडेंट्स वो मिलके तो इनकी हुकूमत के लिए तादाद पूरी हो जाएगी। अगर पीएमएलएन उस इक्वेशन से आउट होती है, उसको उसमें से निकल जाती है, और आई होप कि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिशियन है तो उसे वो कह देना चाहिए कि मैं बाहर बैठूंगा, मैं नहीं हुकूमत का हिस्सा बन रहा, तो फिर ये सेम इक्वेशन पीपल्स पार्टी को फेवर करती है। पीपल्स पार्टी उन्हीं इंडिपेंडेंट्स को, उसी एमकेएम को, उसी बाप पार्टी को, जीडीए को साथ में लाएगी तो हुकूमत बना और प्राइम मिनिस्टर उनका। लेकिन ये भी होगा वैसे पंजाब में कि नून लीग का फैसला सिर्फ मरकज की सीटों पर नहीं होना, नून लीग का फैसला पंजाब की सीटों पर भी होना है। तो पंजाब की सीटों का वो ट्रेंड देखेंगे, एंड मुमकिन है जिस किस्म के हालात बने हुए हैं कि पंजाब के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है सीटों के हवाले से वो आपको बेहतर नजर आए, तो नून लीग को भी दैट वुड डिपेंड। मैं सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर नून लीग को पंजाब मिलता है एक कोलिशन के साथ, और मरकज के अंदर तमाम जमातें बशमूल पीटीआई के वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी ग्रुप की सूरत में, तो सबके सब स्टेक होल्डर बन जाते हैं सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है हमें स्टेक होल्डर्स बनाने का, तो एक ऐसा निजाम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर सारों का स्टेक हो और किसी का स्टेक बने ना। तो आयशा, फिर अगेन प्रधानमंत्री के कुंभे की तरफ जा रहे हैं, होल्डर कोई और। शहजाद साहब बहुत बार प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हाइब्रिड किस्म का इतना ज्यादा कंट्रोल्ड, आपको पता है कि हमें माशी इस्तेहकाम दरकार है, बहुत से ऐसे मामलात हैं, SIFC रख लो, IMF आगे खड़ा है, कंट्रोल्ड ही चीजें चलती अगर इस तरफ सूरत हाल जारी। क्योंकि हम बहुत बार सवाल ये उठाते रहे प्रोग्राम के अंदर भी, यहाँ भी मैं, कि अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत के तासुर की बात की जाती है, वो नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनका गवर्नेंस स्टाइल क्या होगा, वो पॉलिटिकली क्या चेंज होंगे, रिटर्न टू पावर के बाद वो किस तरीके के नजर आएंगे, कौन सी पावर अगर कौन सी रिटर्न कौन सा नतीजा एक बात करें कि जो आगे निजाम चलना है, क्या वही चीजें नहीं सेटल हो सकी? ये जो आप फ्रोजन की बात कर रहे थे, वो जो चीजें सेटल होनी थी वो शायद नहीं सेटल हुई उस तरीके से, वो सेटल नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो ये फ्रोजन ना होता। बहुत बहुत मुबारक हो आयशा, आई एम सो सॉरी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब का एक नतीजा हमारे सामने आ रहा है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक। साहिवाल से बहुत देर से, एक साहिवाल से आया, पीपी 33 का, अच्छा पीबी, माफ कीजिए, मुबारकबाद बलोचिस्तान, मुबारकबाद वापस, पीपी नहीं पीबी है, खारान से है, तो मुबारकबाद मेरी वापस जी। गैर सरकारी नतीजा, लेकिन तलक साहब की खबर सही साबित हुई, ये नून लीग से, आपको बता रहा था नून लीग से, वहाँ पे 11,203 वोट लेकर नून लीग कामयाब हुई है, गैर से 5 और गैर सरकारी नतीजे के साथ 8
एमपीज हैं जिनके नतायज आपको इस तरह के हैं अभी बता रहा हूं। एक अदद टिश्यू पेपर भिजवा दिया। मुझे मैं कहती ना फ्रोजन वाली बात, अगर चीज है किसी को नो मतलब जहां मामला खड़े हैं चार घंटों बाद जो नजर नहीं आ रहा है, चार घंटों से खबर चला बात कर रहे हैं 60 70 80 ये सुबह तक, वो क्या पता कब चीजें फ्लोई कंडीशन में हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं। सो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली। तलत साहब ने अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान ना तलत साहब ने खबर दे दी है, और तलत साहब बता रहे हैं, तलत साहब जरा अगेन अता हो क्या चीज ये जो आपने बताया।